देखते हुए केंद्र और राज्य की सरकारें सत्ते में आ गई हैं। इसी को देखते हुए यही वजह रहा है कि राज्य और केंद्र की सरकारें अपने अपने राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों को, मॉल को, सिनेमा मॉलों को, सभी को बंद कराने की भी घोषणा कर चुकी है। लेकिन इसका असर सिर्फ इतना सीमित नहीं है, इसका सबसे बड़ा असर अर्थव्यवस्था पे पड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी इसका असर पड़ा है, इसका लोकल मार्केट पे असर पड़ा है, गोल्ड मार्केट पे असर पड़ा है। और गोल्ड मार्केट पे इसका असर किस तरीके का पड़ा है, यही जानने के लिए हम आ गए हैं गोरखपुर के घंटा घर में, जो गोल्ड मार्केट का सबसे बड़ा जगह माना जाता है। यहाँ पे कई ज्वेलर्स जो है, स्वर्ण व्यवसायी है, जो अपना शॉप लगाते हैं। तो यहाँ के स्वर्ण व्यवसायियों से हम जानेंगे कि कोरोना का असर उनके व्यवसाय पे कितना पड़ा है, और इसी को बातचीत करने के लिए हम आ गए हैं घंटा घर के चौधरी लखन चंद्र की दुकान पे, और उनसे हम बात करेंगे कि कोरोना का असर उनके व्यवसाय पे कितना पड़ा है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विद्याधर वर्मा। गोल्ड मार्केट पर कोरोना का क्या असर पड़ा है? असर पड़ा है मार्केट में, कस्टमर नाम की चीज़ रही नहीं गई, कहीं से कोई आना जाना मार्केट में चाह नहीं रहा, जिससे छोटे छोटे कारीगरों की अर्थव्यवस्था जीर्ण शीर्ण हो गई है। भुखमरी के कगार पर लोग आ जा रहे हैं, दुकानों पर कोई कस्टमर दिख नहीं है, महीनों से पर लग रहा है कि जिसे कोई आना जाना चाह ही नहीं रहा है। इक्का दुक्का लोग आ भी रहे हैं तो वो भी आने से कतरा रहे हैं। ये यहाँ पे जैसे हमेशा भीड़ लगी होती है, लेकिन अब देख रहे हैं कि जब से सरकार ने फरमान जारी किया है कि 50 लोगों से ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं एक जगह पे, तब से भीड़ कम दिखाई दे रही है। क्या असर पड़ा है कि क्या लोग कम आ रहे हैं? कम नहीं, एकदम नहीं के बराबर आ रहे, 10% आ रहे हैं। इसके पहले जब 90% आते थे, अब कस्टमरों की संख्या 10% हो गई, और 10% में पूरे मार्केट में हैं, जिससे दुकानदारी पर इतना असर पड़ा है कि कहीं किसी का कोई एक दिन भी कोई कुछ बिक नहीं रहा है। क्या असर पड़ा है? गोल्ड की कीमत बढ़ी है या घटी है? गोल्ड की कीमत तेजी से घट रही है, 6-7 दिनों में लगभग 7,000 रुपए गोल्ड की रेट नीचे आ गई है। उसके बाद भी ग्राहकों की संख्या नहीं के बराबर है। कीमत कम होने की सबसे बड़ी वजह क्या रही है? कस्टमर का ना आना, मतलब जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, जो गोल्ड मार्केट है, उस पे भी प्रभाव पड़ा है, जिसका असर भारत पे देखा जा रहा है। भारत का भी असर पड़ा है, पड़ता पड़ा है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। इसका असर आगामी कितने दिनों तक व्यापारियों और ग्राहकों को भुगतना पड़ेगा? लगभग 6 महीने, कम से कम 6 महीने में, इससे पहले सुधार होने का कोई चांस नहीं। इसमें 22 कैरेट सोना का मूल्य क्या होगा? इस समय 22 कैरेट सोने का मूल्य 32,000 का होगा। और पहले कितना था? पहले था 40,000 था। 8,000 का गिरावट आया इसमें, और क्या असर पड़ेगा कितने 6 महीने तक? अब लोग तो लगन का भी 14 अप्रैल तक जैसे लगन समाप्त है, तो अब उसका असर भी क्या पड़ेगा, कैसा असर पड़ेगा? उसमें भी असर पड़ेगा, कस्टमरों की संख्या कम रहेगी, जो लोग गिफ्ट देने वाले आते थे मार्केट से गोल्ड लेने के लिए, वो नहीं के बराबर आएंगे, जिनको बहुत आवश्यक होगा वही आएंगे, अपना कुछ काम करके सीमित काम करके निकले। वैसे तो कोरोना का असर पूरे देश में फैल गया है, पूरे दहशत जो है पूरे देश में फैला हुआ है, इसके सस्पेक्ट की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसको देखते हुए केंद्र और राज्य की सरकारें ने फरमान जारी कर दिया है, सभी स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल सभी बंद कर दिए हैं। लेकिन इसका असर सिर्फ इतना सीमित नहीं है, इसका असर सबसे बड़ा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी पड़ा है, इसका लोकल मार्केट पे भी पड़ा है, गोल्ड मार्केट पे भी पड़ा है। लेकिन गोल्ड मार्केट पर कोरोना का क्या असर पड़ा है, इसको जानने के लिए हम आ गए हैं गोरखपुर के घंटा घर में, जहां पर आपको तमाम स्वर्ण व्यवसायियों के दुकान देखने को मिल जाएंगे। यहां के व्यवसायियों से हम जानेंगे कि कोरोना का गोल्ड मार्केट पे क्या असर पड़ा है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। हम आ गए हैं मुरलीधर वर्मा हरिओम की दुकान पे, और उनसे हम बात करते हैं कि कोरोना का स्वर्ण पे मार्केट पे क्या असर पड़ा है। क्या नाम है? विद्याधर वर्मा। कोरोना का गोल्ड मार्केट पे कितना असर पड़ा है? इसका असर बहुत बुरा असर पड़ा है मार्केट पर, यहाँ की मार्केट एकदम बंद हो गए हैं, तो कस्टमर आना ही बंद कर दिए, नहीं मात्र है, लगभग समाप्त ही समझ लीजिए। गोल्ड की कीमत बढ़ी है या घटी है? इस कोरोना की वजह से गोल्ड की मार्केट में काफी गिरावट आई है। आप बताइए सर, आपका कितने सालों से यहाँ पे शॉप चला? 39 साल। 39 साल।
मतलब एक महीने से जब से कोरोना का दहशत फैला है तब से यहाँ पे कुछ आपको परिवर्तन नजर आया है? ग्राहकों का आना ही बंद हो गया है, बाजार में लोग घर से निकल ही नहीं रहे हैं। बाजार और व्यवस्था बहुत दुर्व्यवस्था हो गई है, भाव बहुत तेजी से नीचे भी आ रहा है, फिर भी डर के मारे लोग आज बाजारों में नहीं आ रहे हैं। गोल्ड की कीमत बढ़ी या घटी है? इस समय तो घटी है, दो तीन दिन से कोरोना का डर है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हर चीज का भाव गिरा हुआ है, सोने का भी गिरा हुआ है, चांदी का भी गिरा हुआ है। 22 कैरेट सोना का मूल्य क्या होगा? 22 कैरेट सोना इस समय 38,000 के लगभग है। और पहले क्या था? पहले 44,000 था। इसका असर ग्राहकों पे और स्वर्ण व्यवसायियों पे कब तक देखने को मिलेगा? जब तक इस महामारी से निजात नहीं मिलेगा तब तक हर आदमी दहशत में रहेगा, दुकानदार भी दहशत में है, ग्राहक भी दहशत में है। अब तो ये सर लगन समाप्त हो चुका है, 14 अप्रैल के बाद ही लगन शुरू होगा, इसका असर कितना पड़ेगा? इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा, जिसके वहाँ शादी होगी वो लोग मजबूरी से आएंगे मार्केट में परचेज नहीं करेंगे, लेकिन जो गिफ्ट देने वाले लोग आते थे शादी में हमें देने, इस तरह के कस्टमर आने लगभग बंद हो जाएंगे, इससे मार्केट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, ग्राहक से लेकर के दुकानदारों पर। कोरोना का असर पूरे देश में दहशत फैला हुआ है, इसका असर लोकल मार्केट में पड़ा है, गोल्ड मार्केट में इसका असर कितना पड़ा है इसको जानने के लिए हम आ गए हैं घंटा घर में, और यहाँ पे हमारे साथ एक स्वर्ण व्यवसायी, उनसे हम जानेंगे क्या नाम है आपका, कितने सालों से यहाँ पे शॉप चला रहे हैं? कोरोना का स्वर्ण पे स्वर्ण व्यवसायियों पे क्या असर पड़ा है? बहुत ज्यादा असर पड़ा है, मार्केट जो है टिका हो गया। क्या वजह है इसकी? सबसे बड़ी वजह क्या है? महंगाई इतनी बढ़ गई है, कहीं कुछ मतलब बिजनेस ही नहीं है, हर मॉल और सब बंद हो गए, किसी के पास कोई ऐसा ही नहीं, कोई अपने काम हुआ। कोरोना का असर व्यापारियों में क्या पड़ा है, स्वर्ण व्यवसायियों में क्या पड़ा है, इसको जानने के लिए हम आए हैं गोरखपुर के घंटा घर के चौधरी चंद गली में, और यहाँ पे व्यवसायियों से बातचीत करने के दौरान पता चला है कि कोरोना का असर स्वर्ण व्यवसायियों में बहुत बुरा पड़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इंटरनेशनल मार्केट बंद हो गया है, सोने की कीमतों में गिरावट आई है, और इसका असर आगामी कई दिनों तक देखने को मिलेगा। देखते रहिए एक्सपोज़ इंडिया। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.